इंडियन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व यानी कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार में जोरदार उछाल देखने को मिल रहा है। IMF की एक रिपोर्ट जिसने जो है तहलका मचा दिया। पहले उसने पड़ोसी मुल्क इंडिया के बारे में कहा था कि उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ जो है 7% तक होगी, लेकिन आज IMF अपने ही अल्फाजों से पलट रहा है और कह रहा है कि उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ जो है 8.2% रहेगी। और पहले चाइना को ये पता चल गया कि इंडिया पहले वाला इंडिया नहीं रहा, इसको मैं प्रेशराइज करके अपनी बात ही मनवा सकता। उसने लद्दाख में पंगा लिया कुछ देर पहले, अपनी फौज चढ़ाई, इंडिया ने भी फौज चढ़ा दी, 4-5 साल वहां रहा और उसको समझ लग गई कि यार अब इंडिया वो वाला नहीं रहा, मच स्ट्रॉन्गर हो गया, मुझे इसके साथ एक सिविलाइजेशन के थ्रू एक अच्छा हमसाया बन के रहना होगा तो ही मैं सर्वाइव करूंगा। और उसको पता चल गया कि मेरे पीछे पीछे ये आ रहा है और आने वाले दिनों में ये मुझे क्रॉस कर जाएगा, दैट्स व्हाई मैं दोस्ती रखूंगा तो मुझे फायदा होगा। क्योंकि भारत ने अब चीन की चाल को मात देना शुरू कर दिया है और जहां एक तरफ चीन, जापान और जर्मनी जैसे देशों की अर्थव्यवस्था में उथल पुथल मच रही है और उनकी विदेशी मुद्रा संभलने का नाम नहीं ले रही है, वहीं भारत ने विदेशी मुद्रा में ग्रोथ हासिल करते हुए फिर से एक बार नया खेल कर दिया है। अगर हम फॉरेक्स रिजर्व की बात करें तो आज उनका खजाना, मतलब इंडिया का खजाना 690 बिलियन डॉलर तक जा पहुंचा, जो कि हिस्टोरिकली आप देखे जाए तो कभी भी उनके फॉरेक्स रिजर्व्स इतने बिलियन डॉलर तक नहीं पहुंचे। मतलब भारत में विदेशी पोर्टफोलियो निवेश में जोरदार बढ़ोतरी के चलते विदेशी मुद्रा भंडार में बढ़ोतरी देखने को मिली है। अमेरिका का प्रेशर भूल गए, उसने कनाडा का प्रेशर नहीं था लिया, वो बात तो दब गई किधर, बड़ा इशू हुआ था, लोग मुझे कहते थे जी देखना जी इंडिया ने कनाडा का पंगा ले लिया, देखना इंडिया का होता क्या, मैं कहा मैं देख लूंगा तो क्या हुआ, वो उन लोगों ने बड़े तरीके से बात को छुपा दिया कि हमारी इज्जत बचे। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। जैसा कि आपने क्लिप में देखा, एक तरफ जहां दुनिया भर में निराशा छाई हुई है, वहीं भारत एक के बाद नया इतिहास बना रहा है। आज भारत के लिए 3 धमाकेदार खबरें आई हैं, जिसे देख पाक मीडिया तिलमिला उठी है और बोल रही है कि दुनिया भर में चल रहे क्राइसिस के बीच भारत ऐसा कैसे कर पा रहा है। तीनों खबरें ऐसे समय पे आई है जब चीन की इकोनॉमी संभलने का नाम नहीं ले रही है, ऐसे में सारे इन्वेस्टर चीन से पैसा निकाल भारत में इन्वेस्ट कर रहे हैं। पहली खबर ये आई है कि रिपोर्ट के मुताबिक आने वाले 10 सालों में दुनिया भर में जितना ग्रोथ होगा उसका 20% सिर्फ भारत से आएगा। इतना ही नहीं, इस रिपोर्ट में बताया गया है कि आने वाले कुछ ही समय के अंदर भारत की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनना तय है। दूसरी खबर ये है कि IMF ने अपनी रिपोर्ट फिर से चेंज कर दी है। GDP प्रेडिक्शन को लेकर उन्होंने बताया था आने वाले सालों में भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ जो हमने पहले अनुमान लगाया था जो 6 से 6.5 के आसपास होने वाली थी, लेकिन लेटेस्ट अनुमान के मुताबिक आने वाले एक साल में भारत की GDP रफ्तार 7% से ज्यादा रहेगी। इसके बाद तीसरी सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि भारतीय विदेशी मुद्रा एक और नया रिकॉर्ड बना लिया है, जिसे देख दुनिया हैरान हो गई है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत का खजाना $689.24 बिलियन क्रॉस कर चुका है। IMF की एक रिपोर्ट जिसने जो है तहलका मचा दिया। पहले उसने पड़ोसी मुल्क इंडिया के बारे में कहा था कि उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ जो है 7% तक होगी, लेकिन आज IMF अपने ही अल्फाजों से पलट रहा है और कह रहा है कि उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ जो है 8.2% रहेगी। और अगर हम फॉरेक्स रिजर्व की बात करें तो आज उनका खजाना, मतलब इंडिया का खजाना 690 बिलियन डॉलर तक जा पहुंचा, जो कि हिस्टोरिकली आप देखे जाए तो कभी भी उनके फॉरेक्स रिजर्व्स इतने बिलियन डॉलर तक नहीं पहुंचे। हमें चाहिए 7 बिलियन डॉलर जस्ट। अगर हमें IMF 7 बिलियन डॉलर नहीं देता तो मुल्क पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा। और अगर हम इस खजाने का 10% दें, इंडिया के जितने भी पड़ोसी मुल्क है सबके खजाने जमा कर ले तो 10% भी नहीं बन रहा। एक मुल्क, उसके पास इतना कौमी खजाना कहां से आया, कैसे जमा किया, और पाकिस्तान के कौमी खजाने कंगाल क्यों पड़े हैं? अब इंडिया ने दुश्मनी नहीं पाल रहा किसी से, यह तिजारत करता है, यह अपने दोस्तों को ढूंढता है, यह उन लोग मुल्कों के साथ फॉरेन पॉलिसी बनाता है जिनसे उनका सेल्फ इंटरेस्ट हो। यह नहीं चाहता कि अमेरिका अपनी उंगलियों पे नचाए, रूस नचाए, नहीं नचाता। अगर उनको अमेरिका से कुछ मिलता है तो इंडिया उधर उस तरफ जाता है, अगर उनको रशिया की तरफ से मिलता है तो उधर चला जाता है। अब इसको देखो कि अगर पाकिस्तान या इंडिया के साथ तिजारत करना शुरू करें, इमेजिन करो अगर उनका खजाना पागल हो रहे तो हमारा भी होगा। हाँ, बॉर्डर से आर पार चीजें जहाँ ठीक है, तिजारत होगी हमारी, ये हमारा खजाना भी बढ़ सकता है। ठीक है, दूसरी बात, वो IT में इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम किस में इन्वेस्ट कर रहे हैं पता है आप? किस में? वेपन्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, लोगों को एक्सट्रीमिस्ट बना रहे हैं, मजहबी बना लो, सोशल बना लो, कल्चरल बना लो, कुछ भी, हम सारे एक्सट्रीमिस्ट है, यू कैन से
that might be a religious point of view or cultural or ethnic level. Ethnic level ka kitna extremism hai Pakistan mein kisi bhi ethnic se nahi hai. Sahi baat hai, that correct ho gaya. Ha to mere khayal mein इंडिया जो आजकल इन्वेस्ट कर रहा है आईटी के अंदर इन्वेस्ट कर रहा है, आपको पता है, मैं आपको एक और फिगर आपको बता दूं क्या, कि सऊदी अरबिया पेट्रोल से इतना पैसा नहीं कमाता जितना इंडिया आईटी से कमाता है. इतना प्रोडक्ट वो आईटी का बाहर बेचते हैं और उनसे वो कमाते हैं. हम पता नहीं असलहों में इन्वेस्ट करते हैं, झगड़ों में इन्वेस्ट करते हैं, कोई फ्यूचर भी नहीं है. फ्यूचर आपका कोई फ्यूचर नहीं है. आप माशी खुशहाली का सोच भी नहीं सकते. माशी खुशहाली विल रिमेन अ ड्रीम. आधे से ज्यादा लोग मेंटल हो गए इस पाकिस्तान में, ये रिपोर्ट आई हुई है. डिप्रेशन का शिकार हो चुके हैं. मेंटल क्यों हो गए? हाँ. उनकी जरूरियात नहीं पूरे हो रहे. कोई बिजली का बिल नहीं अदा कर सकता, कोई गैस का बिल अदा नहीं कर सकता. हाँ. कोई अस्पताल नहीं जा सकता अपना इलाज करवाए. कुछ मखसूस लोगों का फायदा हो रहा है, मुल्क का नहीं, मखसूस लोगों का फायदा. और जो बाहर प्लेटें बनवाए, बच्चों को पढ़वाए, जमीने ले अपने मुल्क में, अपने लिए बैंकें बनाए, अपने लिए सोसाइटी बनाए, दूसरों को वो अपनी शहरी नहीं समझते. तो वो खजाने खाली. हाँ. सर हमारे पास तो 10 बिलियन डॉलर नहीं, मुल्क कह रहे डिफॉल्ट हो जगह IMF ने 7 बिलियन डॉलर ना दिया. और अगर इंडिया के सारे पड़ोसियों के खजाने मिला दीजिए तब भी इंडिया का 10% नहीं बन रहा. इतना खजाना उसके पास आ गया. बहुत खजाना आ गया. उन्होंने इसके लिए सोचा था, हमने सोचा नहीं था कभी. हमने फॉरेन पॉलिसी दूसरों के कहने पर बनाई. हमने जो मुल्क में रिफॉर्म लेकर आए, एक्सट्रीमिज़म वाले रिफॉर्म, वो भी दूसरों के कहने पर लेकर आए. हमने अपने लिए कभी नहीं सोचा. हमने ये नहीं सोचा कि हम अगर अफगानिस्तान से तिजारत करना शुरू करें हमारे लिए फ़ायदा होगा. हम उनके साथ क्यों लड़ रहे हैं? अमेरिका पहली पावर, सुपर पावर, उसके बाद चाइना जो सा पूरी दुनिया में इस टाइम सुपर पावर है. इंडिया के साथ डायलॉग पे उतर आया है. समझ लें कि इंडिया और चाइना अब जो सा वो प्रेशर नहीं रहा. क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले चाइना को ये पता चल गया कि इंडिया पहले वाला इंडिया नहीं रहा. इसको मैं प्रेशर है इस करके अपनी बात ही मनवा सकता. उसने लद्दाख में पंगा लिया कुछ देर पहले. हाँ. अपनी फौज चढ़ाई, इंडिया ने भी फौज चढ़ा दी. ठीक है. 4-5 साल वहां रहा और उसको समझ लगे कि यार अब इंडिया वो वाला नहीं रहा, मच स्ट्रॉन्गर हो गया. मुझे इसके साथ एक सिविलाइजेशन के थ्रू एक अच्छा हमसाया बन के रहना होगा तो ही मैं सरवाइव करूंगा. और उसको पता चल गया कि मेरे पीछे पीछे ये आ रहा है और आने वाले दिनों में ये मुझे क्रॉस कर जाएगा, निकल जाएगा. उसके साथ दोस्ती रखूंगा तो मुझे फायदा होगा, इसलिए वो डायलॉग से तरफ आ गया. ठीक है. कैसे पावरफुल हो गया इंडिया वहाँ पे तो हम सुनते हैं गुरबत बढ़िया, तो क्या कहेंगे? लॉजिकली एग्जाम्पल लॉजिकली दूंगा. 2-2.5 साल से ये रशिया और यूक्रेन आपस में लड़ रहे हैं. रशिया ने यूरोप की गैस की और तेल की सप्लाई बंद की हुई है. यूरोप में महंगाई बड़ी हो गई है और बड़ी दुनिया जो है ना उसको रोकने की कोशिश कर रही है लेकिन कोई नहीं रोक पाया. ठीक है. इंडिया इनकम से आया. ठीक है. इंडिया गया है, इंडिया ने जाकर यूक्रेन से बात की और प्यूटन से बात किया जो रशिया का सदर है, तो वो मानने है. इसलिए इंडिया आगे चला गया. उन्होंने पूरी दुनिया की नहीं मानी, पूरी नेटो कह रही है यार छाड़ दो काम, लेकिन उन्होंने इंडिया की मानी और अब इंडिया ही उनकी जो है ना उनका ठीक है जी हम पीस टॉक करते हैं और जंग खत्म करते हैं. और पिछले 5-10 दिन से इंडिया की कोशिश कर रहा है, मीटिंग ऑर्गेनाइज कर रहा है इंडिया के अंदर. अजीत डोवाल वो भी इस टाइम रशिया में है. ठीक है. वो इसी चीज को सारा कर रहे हैं. तो इससे बड़ी मिसाल मैं आपको क्या दूं? कभी दो चौधरियों की लड़ाई में किसी कमी ने जाके सुलह कराई है? दो चौधरी की लड़ाई में उनसे बड़ा चौधरी जाके उनकी सुलह कराता है. ठीक है. ये आपको बात बता दूं, मैं जाट हूँ. हमारे यहाँ क्या होता है जब दो पार्टीज लड़ पड़े ना तो जो उन दोनों पार्टी से तगड़ा बंदा होता है ना कहते दोनों पार्टीज उसकी ऑनर करें, जो बात माने दोनों, जो उससे डरे भी और उसकी ऑनर करें, वो बंदा जाके उनकी सुलह कराता है. जो उनसे कमजोर होता है वो तो उसकी बात नहीं मानते. तो ये सबसे बड़ी बात है कि इंडिया आगे जा चुका है. अमेरिका का प्रेशर भूल गए हैं, उसने कनाडा का प्रेशर नहीं था लिया, वो बात तो दब गई किधर. बड़ा इशू हुआ था, लोग मुझे कहते थे जी देखना जी इंडिया ने कनाडा का पंगा ले लिया, देखना इंडिया का होता क्या. मैं कहा मैं देख लूंगा. तो क्या हुआ? वो उन लोगों ने बड़े तरीके से बात को छुपा दिया कि हमारी इज्जत बचे.